अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो शख्सियत होती है वो उस कुम्हार के बर्तन की तरह होती है जो मिट्टी का एक गोला उठाता है और उसको बर्तन की शक्ल दे देता है। हमारे हाथ में वो मिट्टी आई होती है, लेकिन हम उस मिट्टी के गोले से खुद अपनी शख्सियत को ढाल नहीं सकते, ढाल नहीं पाते। हमें वो चाक चलाना ही नहीं आ रहा होता जिस चाक पे उस मिट्टी ने घूमना होता है, और हमारे हाथ वो इतने हाथ नरम और मुलायम नहीं हो रहे होते, इतनी वो नरमी नहीं इख्तियार कर सकते कि वो मिट्टी को कुछ शक्ल दे सकें। हमारी काम ने काम पे सख्ती से पकड़ना है, काम पे हमने नरमी से पकड़ना है, काम पे हमने चाक को तेज़ घुमाना है और काम पे हमने चाक को आहिस्ता घुमाना है। ये हमें चीज़ समझ नहीं आती और हम उस गूंधी हुई मिट्टी से कुछ भी नहीं बना पाते। अगर हम उस चीज़ को समझ जाएं कि हमने उस मिट्टी को किस तरह ढालना है, तो हमारी शख्सियत बहुत प्यारी हो सकती है। अब देखें कि कुम्हार जो है वो ज़रूर साजी कैसे करता है, वो बर्तन कैसे बनाता है। मिट्टी का गोला उठाता है, आराम से चाक पे रखता है, चाक घूमना शुरू होता है, उसके हाथ चलने लग जाते हैं। हाथ चलते जाते हैं, वो ज़रूर जो है घूमता जाता है और शक्ल जो है बनती जाती है। आखिर में आके वो एक खूबसूरत बर्तन बन जाता है। फिर उसको वो धूप में रख के सुखाता है, फिर उसके वो आग में सेंकता है उसको, फिर उसको निकाल के उसके ऊपर रंगो रोगन करता है, फिर उसमें बेल बूटे बनाता है, और आखिर में आके वो हमारे सामने बहुत खूबसूरत बर्तन बन के सामने आ जाता है। हमारी शख्सियत भी कुछ ऐसे जरिया है। हम बिल्कुल मिट्टी की तरह, गोले की तरह होते हैं। वक्त के साथ हमें मौका मिलता है चाक पे चढ़ने का, घूमने का, अपने आप को ऐसा ऐसा संवारने का, अपने ऊपर जो अपने खुद को आग में दबाने का, मेहनत करने का, और बाहर निकल के फिर ऊपर जो है वो बेल बूटे बनाने का, खूबसूरती लाने का। लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर कर बैठते हैं और अपनी शख्सियत में वो खला छोड़ जाते हैं कि जो कभी पूर्ण होती नहीं है, और हमें वो सारी ज़िंदगी हमें वो डर खौफ चीज़ें जो है वो उतरे हमें जो अंदर से जकड़े रखती हैं। हमारी शख्सियत जो है वो शख्सियत के जो बदनुमा दाग होते हैं वो भरते ही नहीं हैं, और आखिर तक वही चीज़ हमारे में रह जाती है और वही चीज़ जो हम अपनी औलाद में अंदर अंदर के लिए कर देते हैं, अपनी आने वाली नस्लों को भी वही चीज़ें दे बैठते हैं। सिर्फ जो हमें वक्त पे उन चीज़ों को संभालना होता है ताकि वो जो खूबसूरती है वो बर्तन में मुंतकिल कर सकें, अपनी शख्सियत में मुंतकिल कर सकें, अपनी शख्सियत को खूबसूरत बना सकें।